अनेक गोटे प्राण जय जगन्नाथ। आपण को प्रिय कार्यक्रम सकल घटे नारायण को शरणारविंद आपण मानक स्वागत करुच्चे। दर्शक बंधु जितेबाला प्रश्न उठुला जे जीवजगत अनेक जीवजंतु थिले भारतीय शास्त्र रे सेमान भूमिका थिले नहीं विशेष आलोचना कहीं से प्रथम आध्यात्मिक चैनल प्रार्थना जारी रखी ये प्रयास ये प्रचेषा उद्देश्य थिला आम शास्त्रे थिबा सकल जीवजंतु पशुपक्षी एम आध्यात्मिक गारिमा शास्त्रीय गारिमा को आम उपस्थापन करवा आम दर्शक मान निकट में आम लोककथा आम लोक परंपरार विभिन्न कहानी मान को नहीं यह सब उपस्थापित हम लोक निकट में एमती एक परिकल्पना को नहीं आरंभ होता सकल घटे नारायण। सकल घटे नारायण कार्यक्रम को मुझ शरणारविंद आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्चे। दर्शक बंधु अनेक जीवजंतु विषय में आलोचना शेष होती आहरी अनेक जीवजंतु को नहीं बाकी रही आलोचना। आज आम जो जीव को नहीं आलोचना करने को जाऊे से जीव को आम माता बोली कहू गोमाता बा गाई गाई को नहीं आज आलोचना हूँ आहरी व्यापक आज आलोचना हूँ आहरी उद्दीपनामय तेबे ये गाई किए ये गाईर उपस्थिति कौन अन्य समस्त जीव थिले आपको आम गोमाता बोली कहीं कहले भारतीय शास्त्र रे संगीत रे पोथी रे पुराण रे ए गाई को नहीं कौन कौन कथा रही जानिचन। दर्शक बंधु शांतिप्रिय मनीष जितेबाला शांति पाठ करे ईश्वर को स्तुति करे हे ईश्वर ये पृथ्वीर चारिपटे आपण शांति बाढ़ी दिंतु शांतिर बारी सिंचन करतु से सी कहार कहार कल्याण आशा कै शांति पाठ कहे गो ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिना भवंतु। आगे गोमातार कल्याण चाहे गोटे समय थिला एमिति कहा घर नथिला जहाँ घर आगे गुहालटाए नथिला कि पछरे गुहालटाए नथिला। आज एमिति एक समय आसी सहरांचल रे गाई देखिबा आम पई स्वप्न पलटी जाइछि गो वंश संख्या कमी कमी आसुचि। एक कथा आलोचना कला बेले मु आपण मानकु नै जेबो चाहूँ भागवतर से ही पर्व को भागवतर से ही कथा को जोटी परीक्षित महाराज देखुचंती एक पाद विशिष्ट गोटे वृषभ आ एक रुग्ण गोमाता को रुग्ण गोमाता को तुलना करा जाइछि। रुग्ण गोमाता किए ना ये रुग्ण गोमाता होचंती स्वयं बसुमती स्वयं पृथ्वी अते गोमाता पृथ्वी सम पृथ्वीर को गुण गोमाता निकटरे अछि। पृथ्वी सदा सर्वदा निज को उत्सर्ग कर देइछि जनतार कल्याण पाई गोमातार एपरि कौनसी चीज नाही जहां मनुष्यर कल्याण पाई समर्पित नुह। गोमूत्र हौ गोमय हो गोदुग्ध हो ये सबकि समर्पित मानव जातिर कल्याण एवं गोमाता अन्यतम महान वैशिष्ट्य होची गोमाता निरीहा। आपण जिते निरीह प्राणी देखिंट पृथ्वी से सबुठ निरीह हो गोमाता। आज भी लोक उपमा देला बेले कहती जे आहा पिलाटा गाईपरी निरीह अते निरीहपण त्यागजुक्त जीवन ये सब गोमाता देखा मिले। आगर गोटे समय थिला चिकित्सार आवश्यकता दृष्टि गोमाता को घर आगे स्थान दि जाऊला दांडे रे बंधा ही थे गोमाता ना घर को प्रवेश करिया पूर्व दांड घरटा ही गुहा थी। आज भी बांकी अंचल अनेक गाँव में प्रथम आप प्रवेश कर दांड घर ही गुहा कहुए गोमूत्र औषधीय गुण उपरे मनीष चलिक जावा द्वारा से बाहर जो जीवाणु भूताणु एवं तार क्षति कला भि सबु उपादान धरिकी फेरी थाए से सबुकु गोमूत्र ही विनाश करी पारे। आ गोदुग्धर उपकारिता तो न कहिबा भल एवं गोमातांकर विशेषत्व सेतबेले प्रचुर मात्रा रे बढ़ी जाए जेतबेले कृष्णंकर जीवन आसे। कृष्णंक जीवन आसिले कृष्णंक नाम कौन ना गोविंद गोपाल उठैले गोवर्धन गोमय कृष्णंकर जीवन निजे गाई चरौथिले गोप आ गोकुलर सुरक्षा पई सकल दायित्व निर्वाह करथिले एवं पृथ्वी रे एकमात्र देवता भगवान कृष्ण जहाँ नाम सहित जहाँ को स्मरण करने को हेले गोमाता बिना जहाँ परिकल्पना करा जाई पारे ना। जेतबले सत्यहमा पचारले हे रसरास रसिकेन्द्र मौली कृष्ण भगवान आपण जीवन रे को चीज को भूली पारे ना
भगवान कहले मुनोटी चीज को भूली पारि ना ना आम समस्त को भूली जीव ना हाँ मुझे भूलिनी जो तीनो जिनस से तीनो जिनस हूँ या गोटे गोप गोटे गोमाता आ गोटे गोवर्धन ये तीनोटी की बुझीपरि ना भूली पारि ना ना कहीं ना ये सबकि गोमाता सहित जड़ित ना ये तीनो जाक को मुझे भूली पारि ना ना कहीं ना ये तीनो ही मोर परिचय ये तीनो ही मोर परिचिति ये तीनो ही मोर ख्याति ये तीनो ही मोर व्याप्ति आपण मैंने जानती गोमाता शरीर में विभिन्न अंश में विभिन्न देवादेवी बास करती कहुए गोमाता को स्नान कई दबा जहाँ 33 कोटी देवता स्नान कईद बिल्कुल ताहा जी गोमाता कृपा पाए से 33 कोटी देवता कृपा पाए जदि गोमाता कृपा ना तेज जा रखिए आपण सहित कृपा ना एवं गोवंशर कथा उठिला बेले गोमाता नहीं ओडिशार अनेक लोक कथा देखा मिले जमी गोमाता नहीं गोपर नामकरण है गोमाता नहीं गोवर्धन नामकरण है गोमाता नहीं गोविंद नामकरण है गोपाल नामकरण है आपण एक जान लें आश्चर्य हे मानव सभ्यता जोबले मनीष बढ़ी बढ़ी चलिए आग को मानवर प्रथम वृत्ति जदि आपण कौन भावती ताल प्रथम वृत्ति आसव गोपालन आदिम वृत्ति मनीष बंचापी प्रथम गोपालन कर आदि वृत्ति बोली कह जाए गोपालन को गोमाता आदिमाता कह जाए एवं शास्त्र दृढ़तार सहित कहती गो गंगा गीताश्च गायत्री चतुर्बकार संयुक्तम पुनर्जन्म न विद्यते कहले जहाँ जीवन में गोमाता गंगामाता गीतामाता आउ गायत्री माता ये चारोटी कृपा होगला ये चारोटी कृपा थी आउ जीवन में किसी असुविधा रहा भारतीय संस्कृतिर चारि दिशा ये चारि स्तंभ ये गो गंगा गीता आउ गायत्री गोमाता को नहीं मध्य भारतीय शास्त्र रे अनेक गल्प रही जेतबले समुद्र मंथन हो लक्ष्मी बाहरी गले ब्रह्मा गढ़ुले गोटे मूर्तिटे नारी मूर्तिटे विष्णु आखि गढ़ुंट अन्यमनस्क नारी मूर्तिटे टे टेरी होगा ब्रह्मा कहले हे ये मूर्ति की आ रखी हेनी चल आपको समुद्र में फिंगी दि फिंगीदे समुद्र को से नारी मूर्ति केत मिले ना से नारी मूर्ति मिले समुद्र मंथन बेले जो जो कतोटी अमूल्य संपद देवगण को प्राप्त होता तातु गोटे थिला कामधेनु एवं आउ गोटे थिला माँ महालक्ष्मी अमृत उचैश्रवा ऐरावत सब प्राप्त हेले समुद्र मंथन रु कामधेनु प्राप्त हेले कामधेनुंकर महिमा कौन ना कामधेनुंकर महिमा हला कामधेनुंकर गुरुत्व हला कामधेनु को आगे आपण जहाँ मागिदेवे कामधेनु ताहा प्रदान करदे से कामधेनु वशिष्ठ एवं विश्वामित्र भितर लड़े होगा एवं जदि समग्र पृथ्वी गायत्री मंत्र बोली गोटे विराट मंत्र पाई थाए ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुवरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तेबे ताहा अवदान होउची कामधेनुंकर ताहा अवदान होउची वशिष्ठ एवं विश्वामित्रंकर एकथा मध्य कहुए गायत्री जो 24 अक्षर रही गोटे प्रणव तीनोटी ब्याहुति बाकी अक्षर रहा 24 ये 24 अक्षर 24 स्थान रे गोमातार शरीर रे बास करते गोमाता सेवन करवा जहाँ सेवा करवा जहाँ गायत्री मंत्र गोटे पुरस्चरण जप करवा से गोमाता पूजन करा जाए जब ब्रह्मा पूर्णमी कथा उठे ओडिया घरे गोमाता देव सम पूजन करा जाए स्नान कराइ दिया जाए सिंदूर पिंधि दिया जाए सकाळु सकाळु खीरी खुआई दिया जाए पिठा खुआई दिया जाए पिलाठारु वयस्क जाए गोमाता प्रणाम करिवार देखा जाए भारतीय संस्कृति भारतीय आध्यात्मिकतार ये हूँ गोमातार महिमा जदि गोमाता नहीं आप लोकगल्पर कथा आसवे गोमाता नहीं आप इतिहास कथा आसवे आपन को बहुत कथा देखा मिले आपन कहे कौन कौन अच्छी गोमाता नहीं जितेबले इंद्र शपत दिन काल वृष्टि कर चलले जमुना 100 जमुना रूप नहीं वर्धित कला निज कलेवर घर द्वार सब भासीगला गोपलगण व्याकु दौड़ा लगिले कृष्ण आउ दुख देखिपारे आपणार काणी आंगुठी टेकीदे गोवर्धन गोकूलर सुख को वर्धन कला गोकूलर आनंद को वर्धन कला पर्वत को टेकीदे सकल गोमाता आश्रय नहींगले सकल गोपाल आश्रय नहींगले
ଏବଂ ଆଉ ଟିକିଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ, ଲୋକ କଥାକୁ ଆସିବେ, ଆପଣମାନେ ସଭିଏ ଧବଳେଶ୍ୱରର କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଗୋମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ କ'ଣ ନା, ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ କଳା ଗାଈ ଧଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ପଛରେ ଥିବା କାହାଣୀ କ'ଣ ନା, ଚୋରଟିଏ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଚୋରି କରେ, ସେଦିନ ଆଉ କିଛି ପାଇନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଗୋମାତାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଇଛି, ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ କୁଦରେ ରହିଛି। ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ କୁଦ କେଉଁଟା ନା, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଆଜି ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାର ପଛକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିର, ବିବିଧ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଶିଳା ଇତ୍ୟାଦି ମିଳୁଛି। ଏପଟେ ସାହୁକାରଙ୍କ ଘରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଯିଏ ଚୋର ଚୋରି କରିଛି ଆପଣଙ୍କର କାଳିଆ ଗୋମାତାଟିକୁ, ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କେହି କେହି କଳା ବଳଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଯେ ଚୋରି କରିଛି ସେ ସେଇ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ କୁଦରେ ଅଛି। ଚୋର ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା, ନଈ ସେପାଟରେ ପାଇକ ଆସିଗଲେ, ସିପାହୀ ଆସିଗଲେ, ଧରି ନେଇଯିବେ ସାହୁକାର, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ କରେଇଦେବେ, ପ୍ରାଣଟିକକୁ ମୋର ଚାଲିଯିବ, ଅଷ୍ଟଗଡ଼ ରାଜା ନେଇଯିବେ ପ୍ରାଣ, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ। ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଡାକିଲା, ହେ ଶିବ ଭଗବାନ, ହେ ଶିବ ଭଗବାନ, ହେ ଶିବ ଭଗବାନ, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ହେ ଶିବ ଭଗବାନ, ଶିବ ଭଗବାନ, ଶିବ ଭଗବାନ, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, କହିକି କାନ୍ଦୁଛି, ଆଖିରୁ ଟୋପା ଟୋପା ଲୁହ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଠି ଲୁହ ପଡ଼ିଲା ସେଇଠି ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରିଛି। ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଭଗବାନ, କହିଲେ ଏଇ ଗୋଟାଏ କଥା, ଯା 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 ଯା, ଇଏ କୃଷ୍ଣ ରଙ୍ଗର ଗାଈ ତ, ତାକୁ ଆକୁ ସିନା ଗାଈକି ଦେଖିଲେ ପ୍ରମାଣ ହବ ତୁ ଚୋର, ଇଏ ଗାଈର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ହବନି ନା, ଆଉ ନା ଏ ଗାଈର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ଧବଳ ହେଇଯିବ, କୃଷ୍ଣକୁ ଧବଳ କରିବାରୁ ନାଁ ହେଇଗଲା ଧବଳେଶ୍ୱର। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଜୀବନକୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଗୋମାତାଙ୍କର ନା, କ'ଣ ନା, ପରଶୁରାମ ଭାବରେ ପରିଣତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ ପରଶୁରାମ, ଫାସିଆ ଥିବ, ତୀର ଥିବ, ଧନୁ ଥିବ, ଜଟା ଥିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହୁଏ, ଆ ପଛରେ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଗୋମାତା। ଆପଣ କହିବେ କେମିତି ନା, ଯେତେବେଳେ ପାପୀ ରଜା ଆସି କାମଧେନୁକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲା, ପହଞ୍ଚିଗଲା ଉରୁ ଦେଶରୁ ଆସି, ହେଲେ କିଏ ଯମଦଗ୍ନି ନା ଏଇ ଯମଦଗ୍ନି ନା, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯମଦଗ୍ନି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ଯିବା। ପହଞ୍ଚିଲେ ମାଗିଲେ, କହିଲେ ଯମଦଗ୍ନି ମୁଁ ଆସିଛି ଦୂରରୁ, ମୋତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଇଏ ଭାବିଲେ ମୁନି ଋଷି ଲୋକ କ'ଣ ଥିବ ଘରେ, ଶାଗ ଟିକେ ଦେବେ, ମୁଗ ଟିକେ ଦେବେ, ଏହା ତ ଫଳମୂଳ ଟିକେ ଦେବେ ଆଉ। ଯମଦଗ୍ନି ଓଲଟା ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କ'ଣ ମାଗୁଛ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ? ଇଏ କହିଲେ, କ'ଣ ଯାହା ମାଗିବି ଦେଇଦେବ ନା, ହଁ ଦେଇଦେବି, ନା ପଲାଉ ଦିଅ ନା ନିଅ ପଲାଉ, କ୍ଷୀରି ଦିଅ ନା ନିଅ କ୍ଷୀରି, ନା ନବରତ୍ନ ତରକାରୀ ଦିଅ ନା ନିଅ ନବରତ୍ନ ତରକାରୀ, ନା ଏବେ ମୋତେ ବସା ଦହି ଦିଅ ନା ନିଅ ବସା ଦହି, ଖାଇସାରି କହିଲେ ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନା ନିଅ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। ପାପିରଜା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ଯାହା ମାଗୁଛି ଇଏ ମୋତେ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି, ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଏ ଅଛି ଯାହାକୁ ଯାହା ମାଗିବ ସେ ଦେଇଦେବ। ଏବେ ଯମଦଗ୍ନିକୁ କାରଣ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ହେ ମୁନି ତମେ ତ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆଟାରେ ପଡ଼ିଛ, ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ କୁହ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିଲି ତମେ ଦେଇଦେଉଛ କେମିତି? ନା ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ କାମଧେନୁଟାଏ ଅଛି, ମୁଁ କାମଧେନୁକୁ ଯାହା ମାଗିଛି କାମଧେନୁ ମୋତେ ତାହା ଦେଉଛି। ପଛପଟକୁ ଚାଲିଗଲେ ପାପିରଜା, ଦର୍ଶନ କଲେ, କହିଲେ ଏ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କାମଧେନୁ, ଏ ରୂପାସମ ଜ୍ୟୋତି କାନ୍ତି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହୀରା ମୋତି ଖଚିତ ହେଇଛି ସମଗ୍ର ଶରୀରର ହାରରେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାରରେ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ତ ମୁନି ଲୋକ ଯୋଗୀ ଲୋକ, ଆକୁ ରଖି ଲାଭ କ'ଣ, ଏଇଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ଯମଦଗ୍ନି କହିଲେ, ନା 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 ଦେଇ ହେବନି, ସବୁ ଦେବି, ମୋ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦେବିନି ନା, ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ବାରଣ କଲେ ଯମଦଗ୍ନି, ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ଶିରକୁ ଛେଦନ କରିଦେଲେ ପାପୀ ରଜା ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ। ଆସିଲେ ପରଶୁରାମ, ସେଉଠୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କ୍ଷତ୍ରିୟ ରଜା ହେଇଛୁ ନା ପାପୀ ରଜା। ପରଶୁରାମ କହିଲେ, ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଛୁ ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ରଜା, ନେଇଛୁ ମୋ କାମଧେନୁକୁ, କାମଧେନୁକୁ ଦେବୁ, ତୋ ଜୀବନ ଦେବୁ, ପ୍ଲସ୍ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ମୁଁ ସକଳ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ହନନ କରିବି, ସକଳ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବି। ଅତେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଅବତାର ପଛରେ, ପରଶୁରାମ ପରଶୁରାମରେ ପରିଣତ ହେବା ପଛରେ, ପାରୁଷ ଧରିବା ପଛରେ, ଧନୁ ଧରିବା ପଛରେ, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇ ବିଶ୍ୱକୁ ନିକ୍ଷତ୍ରିୟ କରିବା ପଛରେ ଯଦି କିଛି କାରଣ ଥିଲା, ତେବେ ସେ କାରଣଟି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋମାତା। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦି ଇତିବୃତ୍ତିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବେ ଗୋମାତା।
आपण कहिबे कौन गोमातांकर सेठी भूमिका जेतेबेले इंद्रद्युम्न आ गुंडीचा मंदिर स्थापन करने को भाविले ता पूर्वरु यज्ञ भगवान को आवाहन कले आज तार स्मृति स्वरूप यज्ञ नृसिंह विराजमान करिसंती जोटी जाग एवं जोटी नीलकंठेश्वर मंदिर आपण देखुचंती इंद्रद्युम्न पुष्करिणी ये पुष्करिणी की पुष्करिणी ना गोखुरा पुष्करिणी ना गोखुरा अर्थात ना ये पुष्करिणी की किए खोली नहीं ना कौन करी ना आम राजा यज्ञ बेले गोदान कले ये गोदान कले केवल गाई मानकर खुरारे खुरा पड़ी एवं गोमूत्र गोटे पुष्करिणी तैयारी होगा। ये पुष्करिणी ना कौन ना इंद्रद्युम्न पुष्करिणी। आपण गले नीलकंठेश्वर निकट को देखिए सेठी इंद्रद्युम्न आ गुंडीचाराणी प्रतिमा अच्छी मन पकईदेव आपण को से प्राचीन काल को अते गोमाता बिना श्री जगन्नाथ संस्कृतिर परिचय ना कि परिचिति ना कि भाव गाई मान खुरा एवं गाई मान मूत्र गाई मान खुरा द्वारा गर्त तैयारी है मूत्र द्वारा परिपूर्ण होगा पुष्करिणी। ये पुष्करिणी ना है इंद्रद्युम्न पुष्करिणी। आज भी गोदानर महात्म्य दबा को यह बंची रही। जड़े गो सेवक जी पुण्यर अधिकारी ये पृथ्वी में कोटे तपस्या करोसी व्यक्ति से पुण्यर अधिकारी नुहंती। यार प्रमाण दवा को कल्याण पत्रिकार गोटे सुंदर गल्प आपण मानक शुणा चाहिए। जड़े गोशाला गो सेवक संथटीए तार अन्न सांग जो बड़े भेटे सांग मैंने कहते अरे तू तो गाँव रू आइलु साधु होगा आम तो आइलु साधु होगा आम देखे नाली पिंधिलु आमर मठ है बाड़ी है गुरुजी काली मोर अभिषेक करेबे कहते मुझे महंत होबी कि तू ये कौन करुचु ना भाई मु जो बाबा पाखे अच्छी ना गोराम बाबा से आउ किसी करती ना जप करती ना तप करती ना गोशाला टीए कर दिन रात गो सेवा करती मुझे पाखे से गो सेवा करुच्छे सांग मैंने कहले जा जीवन बर्बाद होगा एबे भी समय अच्छी पलैया निजक बदल दे से बाटर बाहरिया आ पलैया। ये पिलाटी भाविला सत्य तो कौन है कि गाई गोबर गाई मुत सालु बालु ये जीवन जप ना तप ना मंत्र ना ध्यान ना ज्ञान ना मु कौन करी ना मुझे ये गोशाला छाड़बी कुआडे जीवी ना तते मु मो गुरु पाखक नहीं जीवी तंत्र विद्यार मते जमी से सिद्धि प्रदान करते तते भी सेमती सिद्धि प्रदान करेंगे। गो सेवक जनक खुशी होगले कहे जाऊ ये दिन गो सेवा करने अपेक्षा मुझे सिद्धि पाई अल्प दिन जा पहुँचीगले बंधु आश्रम गुरुजी निकट में शिष्यत्व वरण कले कहले गुरुजी मत के दिन में सिद्धि देवे ना तू व्यस्त होना ये तंत्र विद्या 15 दिन में सिद्धि पाइबू 16 दिन में कौ तंत्र मठर महंत हबु तते सबू बाबाजी नमस्कार करेंगे। 15 दिन काल से गुरुजी जनक शिखले मंत्र जंत्र तंत्र पिलाटी गो सेवक जनक श्रद्धार सहित सबकि शिखिगला। जो दिन सिद्धिप्राप्त होगाक जादिन जाचीगले गोटे श्मशान बापा आज अमावास्या आज सिद्धि तोर हो गुरुजी बसईदे चारिपटे सुरक्षार गार काटिदे कहे बापा लो तंत्राचार्य महा आराध्या देवी तो आगे आसवे तू जहाँ मागिबू से देवी तो ते सेया प्रदान करिवे तू मुख्य माग मुक्ति माग सिद्धि माग धन माग जन माग महंत पद माग टंका माग पैसा माग जहाँ मागुचु मागि जा। शिष्य जनक खुशी हेले चलीगले गुरुजी निशी अर्ध काल अमावास्यार राति आकाशे चंद्र ना शिष्य जनक आरंभ कले यज्ञ यज्ञर पूर्णाहुति देखू आविर्भाव हेले तंत्र महादेवी हठात शुभिला तंत्र महादेवी स्वर माग बस्च तू जहाँ मागिव मु देवी ये कहे देवी तुम कौटी ना मु तुम पछपटे ना पछपटे रही मुझे देखी तुमको आगे थवा लोक सीना दिए मो पचर थी लोक मत दब केमी मुमी जानवी आप मनीष ना असुर ना ईश्वर गाई ना कुकुर किए आप आग को आसतु ना ना मुझे ना 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 मुँ आगू आसतु ना ना मुझे ना ना कहीं जापरू ना ना मु तंत्र शक्ति पाप शक्ति मु तू गो सेवा कर जी पुण्य अर्जन करचु से पुण्य ज्योति को सम्मुखीन हवा को ये पातकी देवी देहरे सामर्थ्य ना जहाँ सिद्धि नौचु नहीं जा उठीगला। शिष्य कहला प्रणाम कली महादेवी तुमको आउ किसी मागार ना जो गोसेवा कर आसी से गोसेवाई मुझे फेरी जा ये होची गोमातांकर महात्म्य ये होची गोमातांकर गारिमा ये होची गोमातांकर कृपा तांकर सेवक मानंकर प्रति गोमातांकु नहीं अनेक पर्व भारतीय संस्कृति रही
ଗୋରକ୍ଷଣୀ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଗହ୍ମା ବା ଗୋରକ୍ଷଣୀ କୁହନ୍ତି, ଇଏ ଗୋମାତାମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ଆଉ ଦୋଳ ବେଳେ ତ ଗୋପାଳ ଭାଇମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି କାମଧେନୁ ବେଶରେ। ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଅବିର ଲାଗିଥିବ, ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଥିବ, ବେକରେ ତୁଳସୀର ଟଗରର ମାଳା ପଡ଼ିଥିବ। ଅତେବ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ବନ୍ଦନ କରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନେଇ, ଗୋମାତା ସହିତ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର, କେମିତି ସଂସ୍କୃତି, କେମିତି ପରଶୁରାମ ଚରିତ୍ର ପଛରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଅବଦାନ, କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋମାତା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବର ତିଆରି ହୋଇଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ, କେବଳ ଅଶ୍ୱଖୁରାରେ ଗୋଦାନ ସମୟରେ, ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାରି ରହିଥିଲା ଆଲୋଚନା। ପୁଣି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆମମାନେ ଜାରି ରଖିବା ଆମର ଆଲୋଚନା। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନେଇଥିବା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଆସିବୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିବିଧ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବିଧ ତଥ୍ୟ ଆଣି, ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ ଆଉ ଇତିହାସ। ଏବେ ସମୟ ଆସି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲାଣି, ଆଉ ଇସାରା କଲାଣି ଶରଣାରବିନ୍ଦ, ବିଦାୟ ନେବାକୁ ହେବ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।